नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। इस समय मौजूद हो आप मेरे साथ ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित गढ़ी ठाकुरदास पर। यहाँ देखिए आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर किस प्रकार युवा आर्मी की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। इन युवाओं ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, वह महान समाज सुधारक भी थे और उन्हीं के पदचलनों पर चलने के लिए इन्होंने शपथ ली है। वहीं ये देखिए किस प्रकार तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब का कहना है कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और आर्मी में जाकर देश सेवा करना चाहते हैं। आकाश शर्मा। आकाश जी, ये किस प्रकार की तैयारी चल रही है? ये सर फौज की तैयारी चल रही है। आज क्या विशेष दिन है? आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। वो समाज सुधारक और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत व्यक्ति थे। उनके मार्गदर्शन से आज काफ़ी युवा उनसे प्रेरित हैं और आप देख ही रहे होंगे ये जगह, और ये हमारे गांव के लिए मुख्य रास्ता है। यहीं पर हमने ये चीज़ एक्सरसाइज के लिए हमने ये बनाई हुई है। और स्टेडियम काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए युवा वहाँ जाने से चकराते हैं, इसलिए काफ़ी दूर है तो जा नहीं पाते हैं, तो रोड पर ही करते हैं सारे युवा और काफ़ी मेहनत करते हैं आके। और सबका एक ही सपना है कि आर्मी में देश के लिए कुछ करना। और आपको पता ही होगा किसान का बेटा हमेशा फौज में ही तय जाने की वो रखता है और किसान का ही बेटा आर्मी में जाने का जिगरा रखता है। और काफ़ी खुश नसीब वो होते हैं जो उनके वहाँ पे आके शहीद हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा वो होता है। और तो आज आपने क्या प्रेरणा ली है, आज आपने क्या शपथ ली है? आज हमने शपथ ली है कि हम जितना हो सके उतना युवाओं को प्रेरित करेंगे कि वो आके करें थोड़ा और देश के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। और थोड़ा सा महत्व ये भी है कि किसानों को भी देखा जाए। किसानों को देखा जाए से क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हो, किसान आंदोलन पर कहना चाहते हो? हाँ, किसान आंदोलन काफ़ी बड़ा मुद्दा हो गया है आजकल देश का और काफ़ी किसान डट के वहाँ पर खड़े हुए हैं काफ़ी समय से। देखा जा रहा है कि किसान और किसान का बेटा यानी सैनिक, किसान और जवान दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में क्या संदेश देना चाहते हो आप हमारे माध्यम से? किसान का बेटा बॉर्डर पे है, वो अब सुरक्षा में लगा हुआ है और किसान अंदर से देश की सुरक्षा करता है। किसान बिना कुछ नहीं है, सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। सरकार को भी सोचना चाहिए कि किसान के बिना भारत के अंदर कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि 52% किसान की अर्थव्यवस्था को संभालता है किसान, पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। काफ़ी दुर्लभता होती है, प्रगति भी साथ नहीं देती, प्रगति का भी काफ़ी भार झेलना पड़ता है किसान को भी। ये मिल रहा है कि दिल्ली में देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से किसान और जवान आमने सामने है, तो आप हमारे माध्यम से उस जवानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं किसानों पर उन्हें किसानों को रोकने के लिए उन्हें बल का प्रयोग करना पड़ेगा? अब किसान की बस एक ही मांग है कि वो बिल वापस ले लिया जाए। फिर अब सरकार सोच रही है, कोर्ट ने भी फैसला दिया है, पता नहीं क्या होगा, अब देखते हैं आगे कि क्या वो है उनकी। मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी से बस यही गुजारिश है कि वो इस किसान बिल को थोड़ा सोचें, और किसान नहीं मान रहे हैं तो उनकी मांगों को थोड़ा उनको भी सोचना चाहिए, किसानों को भी सोचना है, किसानों के हित के लिए सोचें, क्योंकि किसान बिन देश कुछ नहीं है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं ये कानून किसानों के लिए ही बनाया, अच्छा कानून है। अब मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी किसान तो नहीं है, किसान ही तो किसान रहेगा ना। मोदी जी तो सरकार चला रहे हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो अच्छी बात है कि वो अच्छे नेता हैं, पर किसानों के हित में नहीं सोचेंगे तो सरकार पता नहीं पड़ेगी कहाँ गई। मोदी जी और योगी जी ने कहा था युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, अभी की भर्ती कब से नहीं निकली? अभी तो दो साल से तो कुछ नहीं हुआ। अब सुना है कि 25 मार्च या 25 फरवरी के बीच कुछ हो सकता है, अब देखते हैं क्या करते हैं। पर हम तो कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों की मदद की थी, अब भी लगे हुए हैं, देखते हैं अब आगे का प्रोसीजर क्या है सरकार का। जय जवान जय किसान, मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष भाई, किस प्रकार की तैयारी चल रही है, क्या मामला है? सर यहाँ पे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ। और क्या कहना चाहते हो आप हमारे? मैं मोदी जी से यही गुजारिश करता हूँ कि ये जो दिल्ली में किसान भाई हैं, जो भी हमारे पिता हैं वो, और ये फौज जो भी मतलब फौज और किसान को आपस में ना भिड़ाएँ, क्योंकि ये बाप बेटा का रिश्ता होता है, ठीक है, क्योंकि किसान का ही बेटा फौज में जाता है। और मैं ये भी मोदी जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि दूसरा मंगल पांडे पैदा ना हो,
कृपया उनकी मांगों को पूर्ण करें। और मैं एक गुजारिश और करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे हमारे जो जो आगरा के क्षेत्र में हम रहते हैं, यहाँ पे स्टेडियम की कोई व्यवस्था नहीं है और हम लोग यहीं पे पगडंडियों मतलब खेतों की पगडंडियों पे तैयारी कर रहे हैं। कृपया यहाँ पे कुछ व्यवस्था की जाए जिससे कि और छोटे भाई हैं हमारे, बड़े भी हैं, युवा हैं, ताकि और प्रेरणा मिले उनको और खेल कूद की देखें। अगर आर्मी की तैयारी के लिए कितने समय से प्रयास कर रहे हो? सर मैं तीन साल से प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि और एक साल ही भर्ती देखी थी, मगर वो दो साल से भर्ती हुई नहीं क्योंकि कोरोना काल भी आ चुका था, इसीलिए भर्ती को आगे बढ़ा दिया गया था। अब क्या मांग करते हो? मैं मांग यही करता हूँ कि अब आर्मी की भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए और एक स्टेडियम की व्यवस्था और की जाए। अपना परिचय दीजिए, यहाँ किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? जी मैं यहाँ पे आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दिनेश सिंह है। दिनेश भाई क्या कर रहे थे यहाँ पे? आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हो आप? मैं मोदी से गुजारिश करता हूं कि यहां पे दो साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, जल्द से जल्द भर्ती कराई जाए। और ये भी गुजारिश है मेरी कि हमारे जो किसान भाई हैं जो दिल्ली बॉर्डर पे डले हुए हैं, और किसान का ही बेटा जवान है, और मैं मोदी से गुजारिश करता हूं कि इन दोनों बाप बेटों को आमने सामने ना खड़ा करें और किसानों की भी कुछ डिमांड है उनको पूरा करें और जल्द से जल्द आर्मी की भर्ती कराई जाए। काफ़ी बच्चे यहाँ पर तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपके यहाँ कोई स्टेडियम है? नहीं सर, हमारे यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है, गांव से काफ़ी दूर है। तो फिर किस प्रकार तैयारी करते हो, कैसे? इसी पे गांव की जो पगडंडी है इसी पे हम तैयारी करते हैं सुबह शाम अपनी। और गांव आसपास के गांव के युवा कहाँ तैयारी करते हैं? सब इसी जगह करते हैं, लेकिन आज आए नहीं है। आसपास कहाँ करते हैं आस पास के गाँव के लोग, कैसे किस प्रकार? सभी खेतों के किनारे अपनी पगडंडियों पर तैयारी करते हैं। और कैसे करते हैं, और क्या क्या करते हैं बाकी दौड़ के अलावा, और क्या क्या व्यवस्था कर रखी है उन्होंने? दौड़ के अलावा अपने एक्सरसाइज करते हैं, सभी इधर ही उनका जगह है और अपनी तैयारी भी करते हैं। उसके बाद आप देख ही रहे हैं ये सब कुछ दिख रहा है हमारे माध्यम से। आप मोदी जी से क्या कहना चाहते हो? मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जल्द से आर्मी की भर्ती कराई जाए और किसानों की डिमांड भी पूरी की जाए ताकि वो भी कुछ कर सकें। आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन पर इन्होंने मोदी सरकार से अपील की है कि किसान और किसान का बेटा इस समय आमने सामने है, यानी कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था उसको देखते हुए आज जवान और किसान आमने सामने है। तो इन युवाओं की मोदी जी से अपील है कि इस पर भी विचार करें और किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। वहीं इन युवाओं ने बताया है कि ये खेत की पगडंडियों पर ही यहाँ किस प्रकार देखो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। इनकी अपील ये भी है कि वह इस क्षेत्र में खेल के मैदान का भी सरकार को सोचना चाहिए। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ क्यों सक्सेना आगरा।